Hello friends. So friends, in the last lecture we completed with the process costing. ठीक है जी, तो अब process costing से ही मिलता जुलता, उससे ही related हमारे पास एक नया topic है, that is joint and byproducts. Joint and byproducts. Now this is somewhat related to process costing only. ठीक है जी, जो हमने process costing में पढ़ा है उसी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट. अब ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय प्रोडक्ट की. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. जॉइंट अलग चीज़ है, ठीक है जी, जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग चीज़ है, बाय प्रोडक्ट्स अलग चीज़ है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय प्रोडक्ट्स की. तो अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर, ये जो बाय प्रोडक्ट्स टर्म है, ये बाय प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या है, राइट? सो अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम इनको बोलते हैं एंसिलरी प्रोडक्ट्स टू, दीज आर द एंसिलरी प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू मेन प्रोडक्ट. सर अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने बोला कि बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट क्या चीज है? मैंने कहा इट इज एन एंसिलरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट. जैसे कि हमने प्रोसेस में किया, हमने कहा प्रोसेस अकाउंट है, ठीक है जी. हम यहां पे क्या बनाते गए? मटेरियल ले लिया, राइट, देन लेबर ले ली, देन हमने ओवरहेड्स ले लिए, ठीक है जी. तो ये सब मिलकर जो हमारा प्रोडक्ट निकला वो हम कहाँ लेके गए? बाय फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है. तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि फिनिश्ड गुड्स के साथ जो हमें एक्सपेक्टेड था कि हमने हमारा ये फिनिश्ड गुड निकलेगा, उसके साथ एक छोटा सा प्रोडक्ट और निकला जिसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी. इन एडिशन टू फिनिश्ड गुड इट इज एन एंसिलरी प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट. ये जो एफ जी को ट्रांसफर किया, ये तो है मेरा मेन प्रोडक्ट, ठीक है जी. इस मेन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते करते साथ में क्या निकल आया? एक मेरा बाय प्रोडक्ट. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है मेरे पास एप्पल स्किन प्रोड्यूस्ड वाइल प्रोसेसिंग एप्पल जूस. हमने क्या कहा कि हम एप्पल जूस बना रहे हैं. एप्पल जूस हम किससे बनाएंगे? एप्पल से बनाएंगे, ठीक है जी. अब जब एप्पल से हम एप्पल जूस बना रहे हैं, तो वो जो एप्पल का इंटरनल पार्ट है, अगर ये एप्पल है तो वो कहता है कि इसका जो इंटरनल पार्ट है, इसका तो जूस निकल जाता है, ठीक है जी. और ये स्किन जो है, ये हमारा एक अलग से बाय प्रोडक्ट बन जाता है. हमारे पास एप्पल की जो स्किन है वो एक अलग से रह जाती है, ठीक है. जो सेंटर पार्ट है एप्पल का, उसका तो सारे का जूस निकल जाता है, एप्पल जूस में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन बचता क्या? उसकी बाहर की लेयर, उसकी जो स्किन है एप्पल की, दैट इज अनदर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. निकालना क्या था? एप्पल जूस. मेन प्रोडक्ट क्या था? एप्पल जूस. साथ में क्या निकला है? एप्पल की स्किन, ठीक है जी. सर एप्पल की स्किन का क्या करेंगे? वो तो हम फेंक देते हैं. अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर इस बाय प्रोडक्ट का हमें फायदा क्या? हम एप्पल की स्किन का क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे एप्पल की स्किन का? वो तो हमने फेंकनी है. सर नहीं, एप्पल की स्किन कहाँ पर यूज हो जाती है? जो हमारी क्रीम्स बनती हैं उसमें एप्पल की स्किन यूज हो जाती है, राइट. सो दिस बाय प्रोडक्ट, ये जो बाय प्रोडक्ट निकला एप्पल स्किन का, राइट, इसका जो मार्केट शेयर है, इसकी मार्केट बहुत कम है. इसकी जो वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ही कम है, ठीक है जी.
समझ में आया? एप्पल स्किन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो एप्पल स्किन बाय करेगी, लेकिन उसकी वैल्यू और एक एप्पल जूस जो हमने बनाया, ठीक है, एक मेन प्रोडक्ट बनाया, उसकी वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये तो एक तरह से मतलब क्या उसको स्क्रैप वैल्यू की तरह जाएगी ये तो, ठीक है जी। और ये हमारा है मेन प्रोडक्ट एप्पल जूस, एप्पल जूस होगा 200 रुपये बॉटल, 300 रुपये बॉटल, या एप्पल स्किन तो कुछ भी नहीं जाएगी, बहुत कम रेट पे जाएगी। क्योंकि क्यों कम रेट पे जाएगी, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है ज़्यादा हमारे पास, ठीक है जी। तो जो रेट मिल जाए वही सही है, क्योंकि हमारे पास मार्केट तो है नहीं ज़्यादा एप्पल की स्किन के लिए, क्लियर है। तो ये जो एप्पल स्किन है, दिस इज माय बाय प्रोडक्ट, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। और ये एप्पल जूस जो है ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बाय प्रोडक्ट की अगर बात करें तो बाय प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ एन एंसिलरी प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट इन अ प्रोसेस, क्लियर है। तो अब ये जो बाय प्रोडक्ट है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, चलो अब उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, सर हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगा, एक बाय प्रोडक्ट क्या है। जब हम फिनिश गुड्स ले रहे थे, फिनिश गुड्स कहां पर ले रहे थे, हम लोग क्रेडिट साइड पे लेते थे, तो ये बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट भी तो है, तो फिनिश गुड्स का ही पार्ट है, तो उसको भी हम कहां लेंगे, क्रेडिट साइड पे लेंगे, ठीक है जी। तो इसको लिख लो, यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट, यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी क्रेडिटेड टू, विल बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट अलोंग विद its net realizable value, along with the net realizable value, clear है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, सर हमने कहा कि जो बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं वो हमने क्रेडिट करने हैं प्रोसेस अकाउंट में along with the net realizable value। अब ये net realizable value क्या होगी हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है हमारे पास। ये जो हमने कहा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट इज दिस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम लेते हैं कि एस्टिमेटेड सेल प्राइस, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारी पॉकेट में कितना आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने कहा जितनी टोटल सेलिंग प्राइस थी उसमें से हम क्या कर देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आई, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है कि जो बाय प्रोडक्ट निकला उस प्रोसेस में से क्या हमने उस बाय प्रोडक्ट को आगे और प्रोसेस करना है या एज सच हमने उसको मार्केट में सेल कर देना है, क्लियर है। जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकला एक प्रोसेस से, क्या हमारी उसको सेल करने से पहले मार्केट में क्या उसके ऊपर कोई और फर्दर प्रोसेसिंग करनी है या उसको एज सच हमें मार्केट में डायरेक्टली सेल कर देना है। अगर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, जिसको हम बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर उसको जब हमने उस बाय प्रोडक्ट को सेल करना है, सेल करने के लिए कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी होंगे, क्लियर है। तो उन सबको कम करने के बाद हमारे पास नेट, हमारे पास वैल्यू जो पॉकेट में क्या आएगी उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्लियर है जी। चलो ये था हमारे पास एक मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास एक और है,
एक हमारे पास दूसरा मेथड और है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है जी। अब ये जो रिवर्स कॉस्ट मेथड है ये मैं बिल्कुल एंड में करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि जॉइंट, जब हम जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर भी रिवर्स कॉस्ट मेथड आएगा, वहां पर साथ में दोनों चीजें करेंगे, ठीक है जी। रिवर्स कॉस्ट मेथड के लिए हमें जॉइंट कॉस्ट भी समझ आना चाहिए, उसके बाद हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी कि रिवर्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, क्लियर है? उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है बाय प्रोडक्ट में, उसकी क्लैरिटी हमें ज्यादा होगी। इसलिए ये जो रिवर्स कॉस्ट मेथड है ये हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, आई गेस लास्ट लेक्चर होगा हमारा जब रिवर्स कॉस्ट मेथड करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम मेथड हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट में भी आएगा, इसलिए मैं वहीं पर दोनों को कवर करूंगा, क्लियर है? अब ये चीज क्लियर है जो मेथड वन है हमारे पास, कि जो यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट क्या है? एक तरह का हमारा फिनिश्ड गुड ही है, फिनिश्ड गुड का ही एक हिस्सा है, ठीक है जी, जो फिनिश्ड गुड के साथ निकला है। तो अगर फिनिश्ड गुड्स को हम क्रेडिट साइड पे लेते हैं तो बाय प्रोडक्ट की को भी तो हम क्रेडिट साइड पे लेंगे, लेकिन हमने साथ में एक टर्म यूज की कि किस वैल्यू पे लेंगे, हम बोलते हैं उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि आपने कितना प्रॉफिट सोचा, उसमें से जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कम कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस कम कर दो, तो बाकी जो बचेगा दैट इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्लियर है? ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद बाय प्रोडक्ट खत्म है। बाय प्रोडक्ट में इससे ज्यादा समझने वाला कुछ भी नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट में जब हम जॉइंट प्रोडक्ट की बात करेंगे वहां पर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, ठीक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट में हमारे पास एक रिवर्स कॉस्ट मेथड आएगा, वो लास्ट में जब जॉइंट कॉस्ट कवर करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट कवर करेंगे साथ में उसको, तब कवर कर लेंगे, ठीक है जी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, देख लेते हैं फटाफट से सॉल्व कर लेंगे उसको। चलो जी, प्रोडक्ट जेनो इज मेड ऑफ थ्री सिक्वेंशियल प्रोसेसेस, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। इन द प्रोसेस 3 अ बाय प्रोडक्ट अराइजेस। वो कहते हैं पहले एक प्रोडक्ट है जेनो, उसको तीन प्रोसेस से निकलना है, 1, 2, 3। थर्ड प्रोडक्ट में उसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है जी, एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इन प्रोसेस एक्स वाई। वो कहता है वो जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको फिर हम एक और प्रोसेस एक्स वाई में लेके जाते हैं, वहां पर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 पर यूनिट। द बाय प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इज प्रोड्यूस्ड। जब प्रोसेस एक्स वाई में लेके हम उसे फर्दर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली जाके एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड। ये बाय प्रोडक्ट है हमारा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस ऑफ ₹1 पर यूनिट आर इनकर्ड इन मार्केटिंग एक्स वाई जेड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹9 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस भी दे दी हमें, ठीक है जी। फिर हमें कुछ डाटा दिया गया प्रोसेस 1, 2, 3 के रिलेटेड। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस है 10, 5, 10, ठीक है। लॉस इन प्रोसेस हैविंग स्क्रैप वैल्यू दे दी हमें। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल द फॉलोइंग डाटा इज गिवन। आउटपुट कितनी है हर एक प्रोसेस की, प्रोसेस एक्स वाई की कितनी है, ठीक है जी, जहां पर हम 420 यूनिट निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड के। उसके बाद कॉस्ट दे दी, डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, मटेरियल्स एडेड, डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द मंथ वाज 84,000। द एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अगर प्रोसेस अकाउंट अच्छे से समझा है तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था ऐसा, ठीक है जी। देर आर नो स्टॉक्स एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ, प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर ईच प्रोसेस 1, 2, 3 एंड द प्रोसेस एक्स वाई, क्लियर? अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज जो समझने वाली है, अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से कर लिया फिर तो आप ये चीज एक मिनट में समझ जाओगे कि ये क्या करना है इसका, ठीक है जी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से कर लो पहले, क्लियर है? क्योंकि अब मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, हल्का सा टच अपॉन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, राइट? क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बार बार एक ही चीज को हम डिटेल में करते जाएं, राइट? वी हैव टू कंप्लीट आर सिलेबस आल्सो, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रोसेस वन अकाउंट जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं, तो आप लोग भी बना लोगे फटाफट से प्रोसेस वन अकाउंट। अब आप लोगों को आता है बनाना बिल्कुल, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं कंप्लीट की तो प्लीज़ प्लीज़ इस पर जंप मत करना, राइट? पहले प्रोसेस कॉस्टिंग करना, उसके बाद जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स करना,
नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो जी, डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स और रेट क्या है हमारे पास 20,000 टू मटेरियल इंट्रोड्यूस ले लेंगे, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स 10,000 यूनिट्स और रेट क्या है 20,000, तो पर यूनिट रेट क्या हो गया 2। देन डायरेक्ट मटेरियल, अब मैं फटाफट से लिखता रहूँगा, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन वेबसाइट पर भी अवेलेबल करवाऊँगा जल्दी, ठीक है जी। अगर अभी करना है तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 5,000, मेरे पास क्वेश्चन सामने है तो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करूंगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। चलो अब इसके अलावा बताओ, अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। हमने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल, इंट्रोड्यूस किया था प्रोसेस वन में, ले लिया डायरेक्ट मटेरियल, ले लिया वेजेस, ले लिए एक्सपेंसेस, ले लिया, क्या इसके अलावा कुछ और लेना है सर? कोई ओवरहेड्स हैं क्या? कोई ओवरहेड्स दिए गए हैं सर? बिल्कुल दिए गए। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द मंथ वॉज 84,000 और ये 84,000 को वो कहता है डिवाइड किसके बेसिस पे करना है? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। अब डायरेक्ट वेजेस क्या है? इसका मतलब क्या कि हर प्रोसेस में 84,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? दिस 84,000 इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:6:10। डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में इसे डिवाइड कर देना है, क्लियर है? तो अब मैं सीधा यहां पर लिख दूंगा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लियर? 20,000 डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपके पास? 20,000 आएगा, राइट? चलो जी, नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या आया? क्या कोई लॉस दिया हुआ है? उन्होंने कहा नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट है, चलो बाय नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना किया था? 10,000। 10% कितना हो गया? 1,000। क्या इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है? रियलाइजेबल वैल्यू इज ₹1 पर यूनिट, ठीक है जी, 1,000, राइट? बाय प्रोसेस टू, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस टू में अब दिया गया कि प्रोसेस वन की आउटपुट कितनी थी? 8,800 यूनिट्स की, 8,800 यूनिट्स की। अभी वैल्यू नहीं पता हमें। अब ये देखो, 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, 1,000 उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया, तो बचा कितना? 9,000। लेकिन आउटपुट तो आई सर 8,800, तो बाकी कहां गया? बाकी के 200 कहां गए? बाय एबनॉर्मल लॉस। अब ये दो चीजों की वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। प्रोसेस कॉस्टिंग में सब कुछ कर चुके हैं, तभी मैंने कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग पहले करना, उसके बाद जॉइंट बाय प्रोडक्ट करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। 55,000 - 1,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने होंगे? 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस, राइट? 54,000 डिवाइडेड बाय 9,000, सो दिस कम्स टू ₹6। तो इसकी वैल्यूएशन हम कितने पे करेंगे? 6 पे, 1200, ठीक है जी, 52,800। क्लियर है? प्रोसेस वन क्लियर है, कुछ भी नहीं था इसमें, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसी था, ठीक है जी। चलो प्रोसेस टू, प्रोसेस टू अकाउंट। अब प्रोसेस टू आप लोग फटाफट से बना लोगे। प्रोसेस टू, प्रोसेस वन इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि प्रोसेस थ्री है, प्रोसेस थ्री इसलिए करवाना है क्योंकि बाय प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो प्रोसेस टू आप लोग बना लोगे फटाफट से। चलो सबसे पहले क्या आएगा? टू प्रोसेस वन, राइट? प्रोसेस वन से कितने आए? 8,800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, 52,800, राइट? टू डायरेक्ट मटेरियल, अब मैं फटाफट से लिखता जाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल कितना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें हमारे पास, तीन चीजें हैं यहां पर, 12,640 टू डायरेक्ट वेजेस, 6,000,
राइट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6200। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, बिल्कुल हैं, 84,000 के, जिन्हें डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, दैट इज 5:6:10 की रेशियो में, तो ये मेरे पास आएगा 24,000। क्या कोई नॉर्मल लॉस? बाय नॉर्मल लॉस, क्या इसमें कोई नॉर्मल लॉस है? दिया गया कितना, 5% ऑफ द इनपुट, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 3 रुपीज। तो नॉर्मल लॉस 5% कितना होगा इसका, 440, 3 रुपीज, 13.20। क्लियर है? उसके बाद उसने दिया बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। अब प्रोसेस 2 की आउटपुट क्या है, 8400 यूनिट्स। सी हमें आउटपुट दी है, इसलिए हम बैलेंसिंग फिगर नहीं करेंगे इसकी। कितने हो गए, 8400। अब इनपुट किए थे 8800 यूनिट्स, और क्रेडिट साइड पर कितने आ गए सर, उसमें से 440 का लॉस हो गया, फिर भी 8400 यूनिट्स बन गए। समझ रहे हो, फिर भी क्या बन गए, 8400 यूनिट्स बन गए। सर अब क्या करें, अब बाकी के 40 यूनिट क्या है, वो मेरा एबनॉर्मल गेन है, 40 यूनिट्स इज माय एबनॉर्मल गेन। सो सर इसकी वैल्यूएशन अब कैसे करेंगे, तो मेरे पास आएगी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। मैं इसका टोटल करूंगा यहां तक का, 24,000 का टोटल करूंगा, 24,000 तक का टोटल करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 101,640 माइनस नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू, माइनस कर दूंगा 8800 माइनस 440, सो दिस कम्स टू रुपीज 12। तो 12 रुपए के हिसाब से इसकी आप वैल्यूएशन करोगे। क्लियर है जी, दिस कम्स टू 480 एंड प्रोसेस 3 अकाउंट में जो जाएगा, दैट इज 8400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट, दिस कम्स टू 1,08,000। ठीक है जी, तो टोटल आप लोग लगा लेना। चलो ठीक है, अब प्रोसेस 3 अकाउंट बनाए, सिंपल था अभी तक तो, बिल्कुल सिंपल चल रहा है सर, जो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में किया है इसके अलावा तो अभी तक कुछ भी नहीं आया हमारे पास, अब आएगा, क्योंकि अब प्रोसेस 3 में जाकर क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट। चलो जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, टू प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस 2 में कितने, 8400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12, 8400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 12, दिस कम्स टू 100,800। क्लियर है? अब इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ दिए गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है हमारे पास प्रोसेस 3 में, 23,200, 10,000, 4,080, तो और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी, तो सारा कुछ ले लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल दिए गए 23,200, टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दी गई 10,000, राइट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 4,080, एंड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमने डिवाइड किए इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट, दैट कम्स टू 40,000। क्या कोई नॉर्मल लॉस है? बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ इनपुट, सिंपल, तो 10% कर दो, 840। ठीक है जी, 5 रुपये रियलाइजेबल वैल्यू, तो 4200। आउटपुट कितनी है, बाय फिनिश्ड गुड अकाउंट, बाय फिनिश्ड गुड अकाउंट इसकी आउटपुट कितनी है, 7,000 की, 7,000। सर हमने इनपुट किए थे 8400, उसमें से 840 का नॉर्मल लॉस हो गया, और उसके बाद भी हमारे पास 7,000 ही निकले, क्या इसके साथ प्रोसेस 3 में फिनिश्ड गुड 7,000 के साथ क्या कोई बाय प्रोडक्ट निकला था? बिल्कुल निकला था सर, देखो
यहां पे क्या था, इन द प्रोसेस थ्री अ बाय प्रोडक्ट अराइजेस, राइट, इन द प्रोसेस थ्री अ बाय प्रोडक्ट अराइजेस एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इन द प्रोसेस एक्स वाई. तो मतलब प्रोसेस थ्री में कितने यूनिट्स उस बाय प्रोडक्ट के निकले थे, जितने हमने आगे प्रोसेस एक्स वाई में प्रोसेस किए, कितने यूनिट्स थे, 420 यूनिट्स. ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास क्या लेंगे, बाय प्रोसेस एक्स वाई कितने, 420 यूनिट्स. अब इसकी वैल्यू क्या होगी सर, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी. अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास किसी प्रोसेस में, तो हम उसको किस पे लेते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे. नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. अब इस केस में देखो, हमें क्या सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 9 पर यूनिट. क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी है, 2 पर यूनिट. क्या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं, 1 पर यूनिट. तो मुझे आप इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता सकते हो, 9 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2 और ये 1, तो कितनी हुई नेट रियलाइजेबल वैल्यू, 6 रुपीज आ गई. ठीक है जी, तो यहां पर मैं क्या लूंगा, एट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज 6 रुपीज. क्या ये यूनिट सब पूरे हो गए, अभी भी नहीं हुए, तो बाकी का हमारे पास क्या बचा, बाय एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स, 140 यूनिट्स. अब इसकी वैल्यूएशन करनी है, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट. ठीक है जी, वो कैसे आएगी, अब इसका टोटल कर लोगे, दैट इज 178,080. क्लियर है, तो 178,080 माइनस 4200 माइनस 2520, राइट, डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हो गए, 8400 माइनस 840 माइनस 420. ठीक है जी, क्योंकि ये तो हमारे पास डेफिनेट फिगर्स ही हैं, हम प्रोसेस कॉस्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है जी, बस इसमें ये था कि अब जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट आया था, हमने फिनिश्ड गुड के साथ बाय प्रोडक्ट को भी लेना है प्रोसेस थ्री में, और जो उसकी वैल्यू लेनी है दैट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि उसकी जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, उसमें से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम कर दोगे, तो उसके आपके पास क्या आएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट आपकी पॉकेट में क्या आने वाला है. क्लियर है जी, तो ये आएगा आपके पास रुपीज 24. तो इसको भी 24 पे वैल्यू करेंगे, फिनिश्ड को भी 24 पे वैल्यू करेंगे, सो दिस कम्स टू 3360 एंड 168,000. क्लियर है. ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखो. उसने कहा था हमें ईच प्रोसेस दो 1, 2, 3, ये हमने बना लिया. उसने कहा साथ में मुझे प्रोसेस एक्स वाई दो जिसमें मैंने फर्दर प्रोसेसिंग की एक्स वाई जेड तैयार करने के लिए. ठीक है जी, क्योंकि एक्स वाई में जाकर मैंने फर्दर प्रोसेसिंग की, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, प्रोसेस एक्स वाई अकाउंट. ठीक है जी, चलो सबसे पहले तो एक्स वाई मेरे पास क्या आया, प्रोसेस थ्री अकाउंट आया, कितना, 420 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 6,2520. अब इस अकाउंट में आकर मैंने क्या किया था, मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की थी, मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर की थी. सर कितनी की थी, 420 यूनिट्स पे 2 रुपए के हिसाब से 840 रुपए जो थी वो मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी इन यूनिट्स पर, इस बाय प्रोडक्ट पर. ये क्या है, एक बाय प्रोडक्ट आया प्रोसेस थ्री से, उस बाय प्रोडक्ट पर हमने प्रोसेस एक्स वाई में जाकर फिर से प्रोसेसिंग की और उसको बनाया हमने बाय प्रोडक्ट एक्स वाई जेड. तो अब इसको जो वैल्यू है हम कहां पर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू हम लेके जाएंगे बाय प्रोडक्ट एक्स वाई जेड में. 420 यूनिट्स, इसकी वैल्यू आएगी 3368 रुपीज.
सी यहाँ पर 8 रुपीज़। और एक चीज आप आइडेंटिफाई करो, यहां तक हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कर दी, इसकी वैल्यू आ गई 8 रुपीज़। तो उसने क्या कहा था, उसने भी तो 8 रुपये बनाई थी, 8 रुपये आ गई, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 1 रुपया और ऐड किया तो क्या बना, 9 रुपये बन गए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 420-3360। क्लियर है, बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्लियर है कि उसके यूनिट्स को क्या करना है, जितने यूनिट्स है बाय प्रोडक्ट के उसको हमने क्रेडिट कर देना है। अगर कोई किस वैल्यू पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, अगर कोई उसको फर्दर प्रोसेस में जाकर हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो हम वो भी कंसीडर करेंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बाय प्रोडक्ट आएगा हम उसको कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है, आई होप बाय प्रोडक्ट इज क्लियर। बाय प्रोडक्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड था तभी मैंने बाय प्रोडक्ट को साथ के साथ उठाया। ठीक है जी, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मेरे से पूछो तो पूरा के पूरा जो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का चैप्टर है राइट, उसमें जो मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं, वो ज़्यादा चांसेस लगते हैं थ्योरी पार्ट आने के। ठीक है जी, थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, जब अगर आएगा भी तो बहुत सिंपल, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आएगा तो सिंपल आएगा, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। जॉइंट कॉस्ट भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर वेरियस मेथड्स हैं, इजी मेथड्स हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग वी विल स्टार्ट विद द जॉइंट प्रोडक्ट्स राइट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल @kasjteaching@gmail.com राइट, और यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट फॉर द नोट्स फॉर द क्वेश्चंस राइट, www.ksjteaching.org राइट। रिगार्डिंग द नोट्स एंड क्वेश्चंस आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट इट्स प्राइसेस आर गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 3rd of February 2019 राइट, द प्राइसेस आर गोइंग टू बी 1500, सो इफ यू वांट टू अवेल एट द ओल्डर रेट्स दैट इज 1000। ठीक है जी, जिन्होंने संडे तक कर लिया, जिन्होंने 2nd February 2019 तक अपने अकाउंट्स एक्टिवेट करवा लिए, उनको ओल्डर रेट्स पर ही सब कुछ मिलेगा, अदरवाइज द रेट्स आर गोइंग टू बी 1500। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।